हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से मेरे को फ़ोन भी आए हैं कि अडोब फोटोशॉप जब हम ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फोटोशॉप, जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो वो जब स्टार्ट होता है तो वो यहीं पे फ्रीज़ हो जाता है, इसके आगे वो जा नहीं पाता। देखो, ये देखिए, ऊपर लिखा आ गया रीडिंग टेक्स्ट ग्लोबल रिसोर्सेज डन। अब ये स्क्रीन यहीं पे मतलब कि रुक जाएगी और जो आपका कर्सर है वो लोडिंग लेता रहेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? कई बार लोग कहते हैं अडोब फोटोशॉप अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले तो इसको हम बंद करेंगे, क्लोज द प्रोग्राम, रिफ्रेश। बहुत छोटी सी ट्रिक है एक। सबसे पहले आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर में, दिस पीसी में। पहले तो ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन में जाके, व्यू में जाके हमें हिडन फाइल्स को शो कर लेना है, अप्लाई, ओके। उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है अपनी, सी ड्राइव में आपके पास एक फोल्डर होगा यूज़र नाम का, ये रहा। यूज़र पे डबल क्लिक करेंगे तो यूज़र में जाके आपको जो आपका मेन यूज़र होगा उसमें जाना है। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा ऐप डाटा। ऐप डाटा में जाने के बाद आपको जाना है रोमिंग, रोमिंग में जाने के बाद आपको जाना है अडोब, अडोब में जाने के बाद आपको जाना है फोटोशॉप 8.0, फोटोशॉप सेटिंग। तो यहाँ पे एक फाइल होगी न्यू डॉक्यूमेंट साइज, ये वाली, इस फाइल को आपको डिलीट कर देना है, क्लोज, रिफ्रेश। रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर देंगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन। उसके बाद जब हम फोटोशॉप ओपन करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए ओपन हो गया। तो ये छोटी सी ट्रिक हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।